हेलो फ्रेंड्स, हम आज एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा थर्ड चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। तो इसमें जो बताया गया है कि आखिर वस्त्र बनते कहाँ से हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं, उनका बेसिस क्या होता है, यानी कि उनका आधार क्या होता है, वो बनते किससे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की इकाई होती है तभी किसी चीज़ का निर्माण होता है। तो ऐसे ही वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे बताया गया है। दो बच्चे हैं जो कि कपड़े ख़रीदने गए हैं। जब वो कपड़े ख़रीदने गए तो उन्होंने देखा कि कुछ इसमें बहुत अलग अलग तरह के जो कपड़े जो थे वो बहुत अलग तरह के थे। ऐसा आपने भी फील किया होगा कि कपड़े कई प्रकार के होते हैं। तो आखिर उन्होंने फिर कहा कि आखिर ये कपड़े फिर जो ये कई तरह के हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे आसपास की चीज़ों में भी बहुत आसपास के जो चीज़ें होते हैं उसी में भिन्नता आपको दिख जाती है। आपके जो गर्मी के कपड़े होते हैं और ऊनी कपड़े होते हैं, बेडशीट होती हैं, चादरें होती हैं, ये सब अलग अलग तरह के कपड़ों के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फिर दिखाया है कि जब मतलब इतने तरह के हैं तो यानी इसका मतलब हुआ कि ये क्या बता रहे हैं, वस्त्रों में विविधता बता रहे हैं। तो यहाँ पे यही वस्त्रों में विविधता बताई गई है। अगर आप वस्त्रों की विविधता देखने चाहते हैं तो ढेर सारे जो कपड़े के कतरन होते हैं, जैसे दर्जी के पास चले जाए तो वहाँ पे कई अलग अलग तरह के कपड़ों के कतरन पड़े होते हैं। तो अगर आप उनमें देखें तो बहुत अलग अलग तरह के आपके वैरायटी आपको विविधता दिखाई देगी। ठीक है, अब जैसे कि अब सूती कपड़ा है, कॉटन सूती यानी कॉटन है, और टेरिकॉट है, नायलॉन, ये सब में होते हैं। लेकिन उसी में कुछ कपड़े कृत्रिम होते हैं और कुछ प्राकृतिक होते हैं। जो प्राकृतिक से होते हैं वो होते हैं सूती जूट के, और जो कृत्रिम होते हैं उसमें नायलॉन के आते हैं, पॉलिस्टर के आते हैं। ठीक है, तो अब ये देखा जाए, अब यहाँ पे ये देखा गया है कि आखिर ये कपड़े बनते कैसे हैं। तो जब उस कपड़े में से कपड़े के बनते कैसे उसको जब देखा गया तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप कराई गई। क्रियाकलाप में इन्होंने बताया कि एक कपड़ा लीजिए, सूती कपड़ा, ठीक है, उसके एक किनारे को थोड़ा सा खींचिए तो वहाँ से जो एक धागा निकलता है, एक धागा दिखाई देगा। जब आप उसको खींचे तो वो बिल्कुल लगेगा कि इस धागे को बिल्कुल सुव्यवस्थित करके इस कपड़े को बनाया गया है। फिर आप उस धागे को भी थोड़ा सा आगे से अगर उसको खींच देंगे तो देखेंगे उसमें कुछ रेशे दिखाई देते हैं जिसको तंतु कहते हैं। तो हमें पता चला कि ये जो कपड़े हैं वो जो तागे होते हैं उनसे बनते हैं, और वो जो तागे होते हैं वो तंतुओं से बनते हैं। तो ये जो तंतु होते हैं, ये तंतु क्या होते हैं, ठीक है, तो ये तंतु बहुत पतले रेशे होते हैं जिनसे धागों का निर्माण होता है। ठीक, अगर आप इस तंतु को देखना चाहते हैं तो जब सुई में धागा डालते वक्त आगे का सिरा जो बहुत पतला होता है वो भी तंतु होते हैं, और जो रुई होते हैं उसमें जो ढेर सारे रेशे होते हैं वो भी एक तरह से तंतु का काम करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि जो ये जो तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और उससे भी अधिक पतली लड़ियों से जो मिलकर बनता है वो होता है तंतु। फिर ये तंतु क्या करते हैं, आगे जाके आगे ये धागे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर तंतु आते कहाँ से हैं। तो कुछ पहले मैंने बता दिया कि कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर प्राकृतिक में बताया है सूत, जूट, रेशमी, ऊनी, ये सब तंतु जो है पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं और ये प्राकृतिक होते हैं। जो पादप से होते हैं वो होते हैं रुई या जूट, और जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो होते ऊन, भेड़ या ऊन जो होता है वो हमें भेड़ या बकरियों से प्राप्त होता है। कुछ रेशमी तंतु भी प्राप्त होते हैं, जो रेशम की सिल्क वर्म होते हैं उनके कोकून से मिलता है हमें। तो हज़ारों वर्षों तक जो वस्त्रों का निर्माण होता था वो केवल प्राकृतिक तंतुओं के उपयोग से ही होता था, लेकिन करीब 100 वर्षों से इसमें कुछ कृत्रिम तंतुओं का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब जो होते हैं वो संश्लिष्ट तंतु होते हैं, यानी कृत्रिम तंतु होते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर आगे अब बताया जा रहा है वे तंतु जो पादप से हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला तंतु है रुई, ठीक है, तो रुई आप देखेंगे कि रुई का बहुत जगह यूज़ होता है, बत्तियां जलाने में, गद्दों में, रजाइयों में, तकियों में, बहुत चीज़ों में इसकी यूज़ की जाती है। ठीक है, ये तंतु आखिर ये जो रुई होती है ये रुई आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये रुई जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कपास तंतुओं से बनी होती हैं।
ये कपास जो होता है एक पौधा होता है, ठीक है, जो कि काली, जहाँ पे काली मिट्टी होती है वहाँ पे ये उगाई जाती है, ठीक है। तो ये कपास की खेती हमारे देश में बहुत कई राज्यों में की जाती है। तो जो कपास का जो फल होता है, कपास गोलक, वो करीब नींबू के जैसा होता है। जब वो पूरी तरह से पक जाता है तो उसके बीज टूटकर खुल जाते हैं और फिर उसके जो कपास तंतु जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। और अगर आप इनके खेतों को देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि जैसे बर्फ़ गिरी हुई, कि जैसे पूरे खेत को बर्फ़ ने ढक लिया हो। इसके बाद इन कपास बालों को लाया जाता है और इनके बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, जिसे कहते हैं कपास उठना, ठीक। तो ये पहले पारंपरिक ढंग से होता था, आजकल इसके लिए मशीनें भी आ गई हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि हमें रुई कहाँ से मिलता है, कैसे उसको हम पृथक करते हैं। अब आया जूट। जूट भी हमें पादप से ही प्राप्त होते हैं। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है भारत में, और ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में, ठीक है। और ये इसकी कटाई जो होती है पुष्पन अवस्था में होती है, जब पुष्प में होते हैं तभी इनकी कटाई की जाती है। और इनको काटने के बाद इनको कुछ दिन पानी में डुबो कर रखा जाता है, जिससे इनके तने गल जाते हैं और उससे फिर जूट को अलग कर लिया जाता है। और जब वस्त्र बनाना होता है तो इससे पहले इनको धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब है सूती धागे की कताई। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो रेशे होते हैं उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया ही कताई होती है। तो इसमें क्या करते हैं, रुई का पूरा एक पुंज लेते हैं, उसके रेशे को खींच कर ऐंठते जाते हैं और जिससे रेशे पास पास आकर धागा बनाते हैं। ये जो युक्ति है ये पहले हस्त तकवा से होती थी, जिसको तकली कहते थे, और उस समय कताई के लिए चरखा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जिसको हमारे गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में उसको लोकप्रियता दी थी, जिससे वो जो ब्रिटेन की मिलों के कपड़े हैं उनका बहिष्कार कर सके और खादी के बने कपड़ों को प्रचलन में लाए, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। फिर आगे है कि तागे के ये वस्त्र कैसे बनते हैं। तो ये जो धागे बन जाते हैं उनके वस्त्र दो तरह से बनते हैं, या तो बुनाई या तो बंधाई। बुनाई में क्या होता है कि जो बुनाई यानी वीविंग, इसमें जो होते हैं कि धागों का दो सेट लेते हैं और उनको एक साथ व्यवस्थित करके इनके आपस पे व्यवस्थित किया जाता है, उससे उनका वस्त्र बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है, जिसे बुनाई कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये उदाहरण के तौर पे दिखाया है कि दो पेपर ले लिया है, हरा और लाल, इनको जब कट करके इस तरह बनाया गया है तो ऐसे ही बुनाई होती है। और जबकि जो धागे होते हैं वो उनकी तुलना में बहुत पतले होते हैं। अगला है कि बंधाई और बुनाई में और भी एक आता है, जैसे कि स्वेटर बुनना, ये सब ऊनी रेशों में उसमें से एक रेशे को ही लेके पूरा स्वेटर, मफलर, ये सब बना दिया जाता है। अगर आप कभी स्वेटर मफलर अगर नहीं देखे, अगर उसको उखाड़ के भी देखें तो एक ही धागे उसमें रहते, एक ही धागों को व्यवस्थित करके पूरा का पूरा कपड़ा तैयार किया जाता है। तो पहले जो कपड़े तैयार किए जाते थे वो हथकरघे होते थे बुनाई के लिए, और अब मशीनें भी प्रचलन में हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जो प्राचीन काल में लोग थे वो आखिर रहते कैसे थे, उन्हें पता कैसे चला। पहले के लोग तो बिल्कुल क्या करते थे, वृक्षों की छाल या फिर पत्तियाँ आप से अपने शरीर को ढकते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब कृषि समुदाय में वो रहने लगे तो पतली पतली टहनी और घास को बुनकर चटाई और डालियाँ बनाने लगे। फिर उन्होंने तंतुओं का जो ऐठन या फिर जंतुओं के जो बाल होते थे उनके उनके ऐठन को जब देखा तो उन्होंने उससे फिर एक लंबी लड़ियाँ बनानी शुरू कर दी और उससे फिर वो वस्त्र का निर्माण करना शुरू कर दिए, ठीक है। सबसे पहले भारतवासी जो थे वो सिर्फ रुई के बने कपड़े ही पहना करते थे, जो कि हमें प्राकृतिक तंतु ही से ही प्राप्त होते थे। प्राचीन में जो मिश्र है उसमें वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स जो थी की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। और उस समय लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, तो वो उस समय क्या करते थे, अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से अलग अलग तरह से ढकते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब उनको सिलाई और सुई का आविष्कार हुआ तो उन्होंने वस्त्रों को सिलकर पहनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिससे कि फिर उसके बाद सिले हुए कपड़ों में भिन्नताएं पाई जाने लगी। उसके बाद आता है
लेकिन आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ और पगड़ियाँ ये सब जो होती हैं ये बिना सिले हुए कपड़े में आते हैं और आज भी पहने जाते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारे देश के विभिन्न भागों में जिस तरह से खाने में, भोजन में विविधता है, वैसे ही कपड़ों में भी विविधता देखी गई है। फिर यहाँ पे एक शॉट में दिखा दिया है कि कपास गोलक होता है, उसमें उटना करके रेशे बनाए जाते हैं, फिर रेशों की कताई करके धागे बनाए जाते हैं, फिर उन धागे की बुनाई या बंधाई की जाती है जिससे वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज का जो इसका सारांश रहा वो ये रहा कि जो हमारी वस्त्र सामग्री होती है उसमें बहुत विविधता है, जैसे कि सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिएस्टर, ये सब पॉलीथीन, ये सब के जो होते हैं कपड़े होते हैं। उसके बाद जो वस्त्र होते हैं वो तागों से बनते हैं जिनका निर्माण तंतुओं से होता है। अब ये तंतु कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं। इसी तरह रुई और जूट जैसे तंतु जो होते हैं वो पादपों से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से जो धागा बनाते हैं उसको कताई कहते हैं, और जो धागों की बुनाई है वो दो तरह से होती है, आपको बताएं, बुनाई और बधाई। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर यही तक। ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।